राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम इस ड्रेस को बनाते हैं। इसे हम तीन कलर से बनाएंगे, जैसा कि आप देख रही हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। चोली बना लेने के बाद एक लाइन हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगली लाइन हमें देखिए किस तरह से बनाना है। इस तरीके से हम अगली लाइन बनाएंगे, जिसमें कि पांच चेन हम लेंगे, जैसे कि इस पे बना हुआ है। हमें अभी यहाँ पे चेंज करना है, अगली चेन पे हुक को डालकर धागे को ले जाना है इस तरीके से। अब हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब इस स्थान पे लाके इसे जोड़ेंगे, फिर से हम देखिए अगला चेन पे ले जाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से पांच चेन बनाएंगे, अब इसे इसी स्थान पे जोड़ेंगे, फिर इसे आगे बढ़ाते हुए हम अगली चेन पे ले जाकर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए पूरी गोलाई में इसे हम बना लिए। अब हमें करना क्या है, इसे यहाँ लाकर इस तरीके से जोड़ेंगे और फिर से एक चेन और लेंगे, टाइट कर लेंगे। एक चेन और लेंगे, दो चेन ले लेते हैं, ये यहाँ पे हम उनको कट कर लिए। अब इसे बाद में हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर का ऊन जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये हम अलग कलर का ऊन इस स्थान पे जोड़े हुए हैं, देखिए ठीक बीचों बीच से दो इस साइड में। अब इसे हम पलट लेंगे, पलट कर हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। अगर आपको सुविधा लगता है सीधा तरफ से बनाने में तो सीधा तरफ से बना सकती हैं। तो एक लाइन हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेंगे, प्रत्येक अलग अलग चेन से। तो चलिए इसे पूरी गोलाई में हम कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। हम यहाँ पे एक लाइन ले आए, अब इसे हम यहाँ तक लाएंगे, फिर हम अब हम यहाँ से एक चेन लेंगे और तीन का एक बुनते चले जाएंगे पूरी गोलाई पर। बीच बीच में हमें दो बार बुनने के बाद, दो चेन में बुनने के बाद एक चेन से दो बार बुनना है इस तरीके से, एक चेन से दो बार। फिर से एक चेन से एक बार बुनेंगे, अगली चेन से भी एक बार बुनेंगे और इसके बाद एक चेन से दो बार बुनेंगे। इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन से दो बार, दो बीच करते हुए एक चेन से दो बार तीन का एक करते हुए पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से गोलाई में कंप्लीट कर लिए हम इसे। अब यहाँ लाकर जोड़ेंगे, जोड़ लेने के बाद और हम यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हुक को डालकर इसमें से फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे, ये हमें चार बार करना है। दो, तीन और एक चार। अब हम बल लेंगे, बल लेने के बाद फिर से हुक को नीचे की ओर से ले जाकर इस तरीके से निकालेंगे और तीनों फंदों को एक साथ बंद करेंगे। फिर से ये दूसरा हो गया,
एक चेन से दो बार बनाएंगे इस बार, तो ये तीसरा हो गया। फिर इसी चेन से देखिए एक बार और हम बना रहे हैं, चौथा हो गया। फिर एक अलग चेन से एक बार और बनाएंगे, इसे हम पांच बार बनाएंगे। ये चार अभी हुआ है हमारा, पांच बार बनाएंगे। अब फिर से हम बल लेंगे और अगला चेन से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। सात बार हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो बार हमारा बीच हो चुका है, अब एक चेन से दो बार बनाएंगे, यानी हमें दो अलग अलग चेन से बनाना है एक एक, और दो के बाद हमें एक चेन से दो बार बनाना है। तो ये हम डबल क्रोशिया देखिए एक चेन से यहाँ पे दो बार बना रहे हैं, ये तीन डबल क्रोशिया हुआ। फिर अगली चेन से एक डबल क्रोशिया, चार हो गया। फिर अगली से एक, पाँच। फिर अगली से छः, और फिर इसी चेन से एक और, तो सात डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। अब ये देखिए पाँच हुआ, पाँच के बाद सात डबल क्रोशिया हो गया। दो बीच करते हुए हम एक चेन से दो बार बुन रहे हैं। अब फिर देखिए अगला हमें किस तरह बुनना है, बल लेंगे और इसे हमें तीन बार में गिराना है। देखिए एक दो तीन, फिर अगली चेन में ले जाएंगे, हमें दो बार बीच करना है, तो ये एक दो तीन, अब ये दो हो गया। अब फिर हमें एक चेन से दो बार बुनना है, तो ये तीसरा बुने, फिर अगला चौथा बुनेंगे। एक चेन से दो बार हम बुन रहे हैं यहाँ पे, चार अभी हमारा यहाँ हुआ है। फिर अगला दो चेन से अलग अलग हम बुनेंगे, ये हो गया पांच, ये छः, सात, अब इसी चेन से एक बार और बुनेंगे, आठ, अब अगला चेन से एक बार बुनेंगे, नौ। अगला चेन से हम ले लेते हैं ये दस हो गया, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा बुने। अब देखिए अब हमें फिर से किस तरीके से यहाँ पे बुनना है, दो के बाद फिर हम एक बार, यहाँ पे हम अब इस बार से दो बार बल लेंगे। दो बार बल लेने के बाद इसे तीन बार में हम बंद करेंगे, यानी ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर यहाँ तक हम बुनते चले आएंगे, दो बीच करते हुए एक चेन से दो बार बुनकर इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अब हमें पूरा बस इसी तरह ट्रिपल क्रोशिया से ही पूरा इसे कंप्लीट कर लेना है, दो बीच करते हुए। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट करते हैं।
इस तरह से देखिए हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए। यहाँ से बनाते हुए हम इसे लाकर यहाँ पर ख़त्म किए। अब इसे हमें करना क्या है, एक चेन ले लेना है। देखिए हम यहाँ से शुरू किए थे और इस स्थान पे ख़त्म किए। अगर आप चाहते हैं तो 5 चेन छोड़ भी सकती हैं। अब देखिए 2 चेन ले लेंगे, एक चेन ले लीजिए, फिर इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद बल लेकर 3 का 1 करते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लें। पूरी गोलाई में बना लिए, देखिए पूरी गोलाई में बनाते हुए यहाँ तक ले आए। अब इसे हमें करना क्या है, लास्ट एक बचा हुआ है, यहाँ पे हम इसे लाएंगे और इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे जो अभी हम यहाँ पे ये बना चुके हैं। तो यहाँ पे हम 2 बीच करते हुए बनाए थे, इस लाइन में हम 3 बीच करते हुए बनाएंगे। तो देखिए ये पहला पे हम डालेंगे हुक, ये पहला पे हम हुक डालें, 2 का 1 किए, 1, दूसरा पे डालेंगे 2, ये तीसरा पे डालेंगे 3 और इसी पे हम सॉरी 3 के बाद चौथा पे डालेंगे ये 4, ये 4 इस तरह से हम बनाएं। बल लेंगे, बल लेने के बाद अगला पे हुक को डालेंगे और देखिए इस तरह से 3 का 1 करेंगे, 3 का 1 हो गया। फिर अगला पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, 2, फिर से अगला पे 3 का 1, 3। अब 3 के बाद हम एक चेन से 2 बार बनाएंगे, ये 1 और फिर से एक चेन से 1 और, यहाँ पे हमारा 5 हो गया। ये देखिए इस तरह से 5 हो गया। अब फिर से हमें बल लेना है, बल लेकर डबल क्रोशिया करना है। तो हम इस बार 7 की संख्या बढ़ाकर 9 करेंगे और जो 9 की संख्या था उसे 11 करेंगे, 11 के बाद हम जितना है उसे टोटल बुन लेंगे। इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। सिर्फ हमें ध्यान में ये रखना है कि जो हम पहला लाइन बुने उसमें 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 बार बुने, दूसरा लाइन में 3 बीच करते हुए एक चेन से 2 बार बुनेंगे और चौथा लाइन में उसके आगे यानी 4 हम बीच करते हुए बुनेंगे, एक चेन से 2 बार बुनेंगे। और जैसा कि हम बतलाए हैं 3 का 1 5 बार करना है, फिर 7 बार डबल क्रोशिया, फिर आगे 9, इस तरह से संख्या बढ़ता चला जाएगा। और आगे चलकर आपको इसी लाइन में अभी हम आपको बतलाते हैं कि यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया कहाँ से शुरू करेंगे बनाना और लास्ट तक बनाते चले जाएंगे। तो देखिए इस लाइन में हमें यानी कि यहाँ पे हम जो बुन चुके हैं डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 यहाँ पे बुने, अब हम यहाँ 2 बार बल लेकर बुन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 2 बार ही बल लेकर इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। सिर्फ हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है 3 बीच करते हुए बुनना है, जैसे कि देखिए 1, 2, 3। अब एक चेन से 2 बार बनाएंगे, 1 और इसी से 1 बार और।
तो यहाँ पे है, फिर से एक दो तीन, फिर दो, फिर एक दो तीन, फिर दो बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। एक दो तीन चार पाँच, पाँच छोड़कर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, पाँच हम छोड़ दिए यहाँ पे चेन। अब इसे हमें क्या करना है, एक चेन लेना है और इस तरह से फिर से पलट लेना है। पलटने के बाद ये चीज़ फिर से हम तीन का एक करते हुए लास्ट तक पहुँचेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ये पांच यहाँ पे छोड़े। अब यहाँ हम फिर से इसे करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे और फिर से हम वापस इसी चीज़ को बुनते हुए जाएंगे और पांच छोड़ेंगे यहाँ पे हम। एक दो तीन चार पांच, यहाँ से फिर हम वापस बुनते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कुछ लाइन में इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर यहाँ तक कंप्लीट किए। अगर आप बीच में पांच चेन छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ सकती हैं। इसे देखिए तीन लाइन में कंप्लीट किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे। यहाँ बीच में हम पांच चेन छोड़े हुए हैं, अगर आप चाहती हैं तो पांच चेन छोड़ सकती हैं। अब दूसरे कलर का ऊन हम लगाएंगे। देखिए अब इसे हम जो यहाँ पर बुने हुए थे इसी चीज़ को हम पूरे किनारे में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसे हमें किस तरह से बुनना है, इसे तो हम बता चुके हैं चोली में, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे किस तरह से हमें बुनना है। पांच चेन लेंगे, इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, फिर से अगला चेन पे ऊन को ले जाएंगे, फिर से पांच चेन लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, अगली चेन पे हुक को ले जाएंगे। बस इसी तरह से इसे हम पूरी गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, आउटलाइन इस पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद देखने में ये कुछ इस तरह का लगेगा। इसे तीन कलर या और भी आप ज़्यादा कलर से बना सकती हैं और इसे बीच बीच में आप इस पे मोती डाल सकती हैं, इस स्थान पे मोती डालकर इसकी सुंदरता को बढ़ा सकती हैं। इस तरह से पोशाक बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।